हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं ऋतिका और आज मैं लेके आई हूँ आपका वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड जो है टिफ़िन रेसिपीज़ का। तो आज की रेसिपीज़ हमारी बच्चों के लिए भी परफेक्ट है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती हैं। साथ ही इन रेसिपीज़ को आप स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं और जाड़ों में ये सारी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर आपने हमारे चैनल डे टू डे लाइफ देखा होगा हाल फिलहाल में, तो उसमें मैंने एक व्लॉग शेयर किया है जिसमें हम जिम कॉर्बेट गए थे। तब रास्ते में जाते समय मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूल्स खुले हुए हैं और 9 to 12th कुछ चल रहा है, कुछ ऑल्टरनेट डे भी बुलाते हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगा यार बच्चों के लिए तो टिफ़िन बनाने का बनता ही है। तो आइए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। अगेन गाइज, ये एक लंबा वीडियो है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके मतलब इसकी जो रेसिपीज़ हैं वो मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दूँगी, फूड फॉर फूडीज 6 मेरा हैंडल है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब फटाफट से ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमारी मंडे की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही इंस्पायरिंग है और आज मैं बना रही हूँ कॉर्न एंड स्पिनच ओपन बर्गर। पहले रेसिपी देखते हैं फिर उसके बारे में बातें करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मंडे का बहुत ही इंस्पायरिंग टिफिन जो है कॉर्न स्पिनच ओपन बर्गर। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम व्हाइट सॉस बनाएंगे और हमने कढ़ाई में डाला है 1 बड़ा चम्मच बटर और साथ में 1.5 चम्मच मैदा। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं बट मैदे से ज्यादा अच्छी सॉस बनती है। अब यहाँ पे हमें बटर को इसके साथ ही पिघलाना है क्योंकि अदरवाइज बटर जलने लगता है। और ये देखिए, हम इसे धीरे धीरे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा, पर हमें मैदे को अच्छे से पका लेना होता है, नहीं तो हमारी सॉस जो है वो लंपी बनती है। पकने की निशानी ये है कि मैदा हल्का सा अपना कलर चेंज करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन टाइप का हो गया है और फूलने लगेगा इस तरह से। और हमें बिल्कुल 1 कप दूध तैयार रखना है। इस मोमेंट पे हम डाल देंगे यहाँ पे 1 कप दूध और इसे फिर से हम विस्क करेंगे। विस्क करने से हमारी व्हाइट सॉस बहुत ही स्मूथ बनती है, एकदम बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। यहाँ पे हमने 1 कप दूध पहले डाला था, 1/2 कप दूध हम इसमें और डाल देंगे। और अगर हमें व्हाइट सॉस पास्ता के लिए बनानी होती है तो हम यहाँ पे और दूध डालते हैं, बट हमें थोड़ा सा स्प्रेड लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा कम दूध इस्तेमाल किया है। देखिए, हम इसे बिल्कुल अच्छे से विस्क कर देंगे और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ है, बहुत ही अच्छी व्हाइट सॉस बनेगी। मैदे का अच्छे से पका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैदे को हल्का सा ब्राउन होने देना चाहिए, अदरवाइज इसमें वो कच्चा कच्चा टेस्ट आता रहता है। तो यहाँ पे हमारी सॉस गाढ़ी हो गई है और अब हम इसमें डाल देंगे 150 ग्राम पालक। इसको हमने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है, आप चाहें तो और छोटा छोटा भी काट सकते हैं। और 3/4 कप उबले हुए मक्के के दाने, आजकल कॉर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप इन्हें सिंपल उबाल के इसमें डाल दीजिए। उबालते समय हल्का सा नमक ऐड कर दीजिएगा, इससे कॉर्न के अंदर तक प्रॉपर नमक चला जाता है। अब यहाँ पे हम इसे सीजन करेंगे। सीजनिंग में हमें सिर्फ यहाँ पे काली मिर्च और नमक चाहिए होता है, ये दोनों मेन है। और बाकी दोनों चीजें जो मैंने ऐड की हैं वो बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसे कि ओरिगेनो सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी हल्का सा डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बट यहाँ पे हमने इसे बहुत ही सिंपल रखा है, सिर्फ काली मिर्च, नमक, ओरिगेनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स के साथ इसको हमने सीजन कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। गाइस, अगर आप थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसको सिंपल स्प्रेड की तरह, डिप की तरह यूज कर सकते हैं, इसके सैंडविचेस भी बहुत अच्छे बनते हैं। अदरवाइज इसमें डालिए 1 चीज स्लाइस, और चीज स्लाइस ना हो तो जो ग्रेटेड चीज है वही डाल दीजिए, इससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है प्लस टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम चीजी चीजी। तो हमारा स्प्रेड बनके बिल्कुल तैयार है और इसको हम फाइनल टेस्ट कर लेते हैं ताकि इसमें नमक वगैरह हम बैलेंस कर सकें। तो ये बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनता है। आइए फटाफट से हम इसके ओपन बर्गर बनाते हैं। आप चाहें तो इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बर्गर बंस लिए हैं, उनको बीच से काट के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसको सीधे मैंने ग्रिलिंग ट्रे पे रखा है, आप चाहें तो इसके नीचे बटर वगैरह और लगा सकते हैं, बट ट्रस्ट मी इतने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से हमने ये स्प्रेड लगा दिया है, अपना स्पिनच कॉर्न स्प्रेड कहेंगे अब हम इसे, और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस चीज जा रहा है। चीज मैंने यहाँ पे ब्रिटानिया का यूज किया है, मुझे ये बेटर लगता है। तो यहाँ पे हमारा चीज, और अब हमारे ओपन बर्गर्स रेडी हैं ग्रिलर में जाने के लिए। तो इसको हमें हाई रैक पे ग्रिल करना है सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए। नजर रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रॉड अगर तेज चल रही होती है तो 5 मिनट में भी हो सकता है, बट 6 से 7 मिनट जनरली लग जाते हैं फर्स्ट बैच को होने में, बाकी बैचेस थोड़ा सा जल्दी होते हैं।
तो यहाँ पे पूरे 6 मिनट हो चुके हैं और हमारे चीज़ी बर्गर्स बिल्कुल रेडी हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही बढ़िया थे ये। हमारा फ़ोटो खींचना ही भारी हो गया था, हमें लग रहा था बस हम जल्दी से इन्हें टेस्ट करें। और आप ऊपर से इन्हें फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर से कवर करके टिफ़िन में दे सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप चाहें तो इन्हें पैन पे भी बना सकते हैं, बस ऊपर से थोड़ा ब्राउन नहीं होंगे बट नीचे से पक जाएंगे। 3 से 4 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा, घी डाल के पकाइएगा। सो गाइज, ये थी हमारी मंडे की रेसिपी एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, आपको इसमें ग्रिलर या फिर तंदूर की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे पैन पे भी बना सकते हैं। बस पैन पे जब बनाइए तो इसे गर्मा गर्म खाइए, और अगर आप इसे टिफ़िन में रख रहे हैं तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में सेट हो जाने दीजिए और ये आराम से आप टिफ़िन में रख सकते हैं। ठंडी होके भी अच्छी लगती है, दो गर्म गर्म के तो क्या कहने। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे, जो है बिल्कुल देसी रेसिपी। इसको हमारे यहाँ बोला जाता है घुघरी पूड़ी, जैसे आलू मटर की सब्जी है जो बहुत आसानी से बनती है और उसके साथ में गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं ट्यूसडे का एकदम देसी टिफिन, जो है घुघरी पूड़ी। इसको आलू मटर की सब्जी या घुघरी कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई में डाला है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। और अब आलू मटर को हमने ऑलरेडी धो के काट के रखा हुआ था तो हमने फटाफट इसमें आलू मटर डाल दिया है और इसे हम चला देंगे ताकि नीचे से जीरा जले नहीं। आलूओं को थोड़ा छोटा ही काटिएगा ताकि वो मटर के साथ में प्रॉपरली पक जाएं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और मटर के कलर को इतना ही खूबसूरत रखने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, आजकल मटर बहुत अच्छी आ रही है तो इसकी घुघरी जो बनती है, मतलब आलू मटर की सब्जी जो मैं आपको बता रही हूँ वो बनती है, वो बहुत अच्छी बनती है। इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे और अब हम आलू मटर को पकने के लिए रख देंगे। इसको पकने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, आंच को धीमा ही रखिएगा। बीच में ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पानी कम रह जाए तो नीचे से आलू या मटर लगने लगे। ये देखिए, अब इसमें काफ़ी पानी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया था तो आलू हो गए थे, और आलू आजकल नए हैं तो बहुत ही अच्छे से पकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मशीन नहीं होते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से आलू हमारा पक गया है, इसको प्रेस करके चेक कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच अदरक जिसको हमने कद्दूकस किया हुआ है, साथ ही 1 चम्मच मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, इसमें ये सारे मसाले में बाद में ही डालने होते हैं, और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अमचूर पाउडर डालने से इसमें बहुत अच्छा सा खट्टा फ्लेवर आता है, साथ ही गरम मसाले की खुशबू आती है। और हरी मिर्च डालेंगे ऊपर से और थोड़ा सा हरा धनिया, और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइज, ये ईस्टर्न यूपी में चाट की तरह भी सर्व की जाती है, थोड़ा सा मटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो इसे मटर की घुघरी कहा जाता है। बट आज मैं इसे टिफ़िन में पैक करने वाली हूँ तो गर्मा गर्म पूड़ी इसके साथ परफेक्ट जाती है। पूड़ी, पराठा, दाल चावल कुछ भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा टिफ़िन तैयार है एकदम देसी वाला, घुघरी और पूड़ी का। और अगर आप घुघरी पूड़ी बनाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा, ऐसे ही बनाते होंगे पक्का से, क्योंकि बहुत पॉपुलर है इलाहाबाद में। तो सो गाइस, ये था हमारा ट्यूसडे का बहुत ही ट्रेडिशनल टिफ़िन, और इसके बाद अब बारी है कुछ वायरल टिफ़िन रेसिपी की। यह है वायरल रैप, जिसको मैं आलू मटर की टिक्की के साथ बना रही हूँ, आप इसे किसी के साथ भी बना सकते हैं। आइए फटाफट पहले रेसिपी देखते हैं फिर इसके बारे में बातें करेंगे। हाँ, बीच में नीचे कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हम बहुत ही अमेजिंग आलू टिक्की रैप, और इसकी शुरुआत करेंगे हम आलू टिक्की बनाने से। यहाँ पे मैंने 2 कप उबले हुए ग्रेट किए हुए आलू लिए हुए हैं और उसमें डाली है 1 कप मटर, इसको भी मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ था। और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मैशर से मैश कर देंगे ताकि जो मटर भी है वो आलू में ब्लेंड हो जाए। और अब बारी है इसे सीजन करने की। तो स्पाइस बॉक्स से हम डालेंगे बहुत ही सिंपल मसाले, जिसमें है नमक, बिल्कुल ज़रा सी लाल मिर्च, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला। साथ ही डालेंगे भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और ज़रा सा चाट मसाला।
यहाँ पे हम नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, काला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं और चाट मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों में ही नमक होता है, इसलिए इसे बहुत संभल के डालिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे दो ब्रेड स्लाइस लिए हैं, उनको पीस लिया है, फ्रेशली मेड ब्रेड क्रम्स हैं ये, और इनको भी ऐड कर दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो ये ब्रेड उसे सोख लेती है और कटलेट्स बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। फ्लेवर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और साथ ही मैंने थोड़ी सी अदरक यहाँ पे ग्रेट करके डाल दी है। आप इसमें प्याज लहसुन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट ये रेसिपी मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाई है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस डो को आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा और अब इसके कटलेट्स बना लेते हैं। ब्रेड की वजह से कटलेट्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। आप चाहें अगर ब्रेड ना इस्तेमाल करना तो आप इसमें पिसा हुआ पोहा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया क्रिस्पी कटलेट्स बनते हैं। अब हम एक ग्रिल पैन लेंगे और उसमें जरा सा घी डालेंगे। आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको हल्का सा ग्रिल किया है। और अब यहाँ पे टिक्कियाँ रख देंगे और इसको धीमी आंच पे आराम से क्रिस्पी होने तक सिकने देंगे। ये कटलेट्स आप रात को बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और यकीन मानिए सुबह बिल्कुल भी काम नहीं रहता, फटाफट टिफिन बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने हाथ से पलटा है, आप प्लीज पलटे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी रोटी बना के रखी हुई है। ये रोटी जो है ये रेगुलर रोटी का जो साइज होता है उससे थोड़ी सी बड़ी है, इसको हम कट कर लेंगे साइड से। तो यहाँ पे हमें कट लगाना है जो सर्कमफेरेंस से लेके सेंटर तक का है, रेडियस के बराबर, आई मैं क्या कह रही हूँ, बट हमें कट लगाना है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें अब हम क्वार्टर में रखेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में रखेंगे टिक्की। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की टिक्की रख सकते हैं। सेकेंड क्वार्टर में हम रखेंगे थोड़ी सी सॉस, यहाँ पे मैंने मेयोनीज रखी है और साथ में मैंने हरी चटनी जो घर में होती है वो डाली है। ये वाला क्वार्टर सॉस का ही होता है और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अलग से इसे मिक्स करके नहीं रखा है क्योंकि हम एक और फ्लेवर का बनाने वाले हैं। अब जो थर्ड क्वार्टर है इसमें हम रखेंगे सैलेड, ये फ्रेश लेटस है जो हम छत से तोड़ के लाए हैं, और साथ में रखेंगे यहाँ पे टमाटर। इसमें आप और भी सैलेड ऐड कर सकते हैं, जैसे अनियन डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, जो भी सैलेड आपके पास अवेलेबल हो वो। और फोर्थ क्वार्टर में हम डालेंगे चीज, यहाँ पे चीज स्लाइस को मैंने आधा कर लिया है और अब इसे फोल्ड करेंगे। टिक्की को सीधे रखेंगे हम चटनी के ऊपर, क्वार्टर को फोल्ड करेंगे और रखेंगे सैलेड के ऊपर, उसके बाद में लास्ट में चीज के ऊपर। ये देखिए हमारा रैप तैयार है और जैसा कि हमने रोटी यूज की है, आप चाहें तो आप इसे एज इट इज खा सकते हैं। अब एक और फ्लेवर का बना लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ कि इसके आगे क्या करना है। यहाँ पे मैंने मेयोनीज के साथ में पिज्जा पास्ता सॉस मिलाई है, आप केचप भी मिला सकते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सैलेड रखा है और चीज स्लाइस रखा है और इसको भी हम बिल्कुल पहले वाले रैप की तरह ही फोल्ड कर देंगे। ये देखिए आजकल सीजन में मटर है इसलिए मैंने आलू मटर के कटलेट बनाए हैं, अदरवाइज खाली आलू के कटलेट बना सकते हैं आप, पनीर आलू के बना सकते हैं, और एक और कटलेट वाली रेसिपी थी जो हमने बर्गर के लिए इस्तेमाल किया था वो भी बना सकते हैं। तो ये हमारे दोनों रैप तैयार हो गए हैं। आप चाहें टिफिन में एज इट इज रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे हल्का सा घी लगाएंगे हम रोटी के ऊपर और इसे हाई फ्लेम पे बस एक मिनट के लिए हम पकाएंगे। इसे हमें पकाना नहीं है, ये जो ग्रिल के मार्क हैं बेसिकली हमें सिर्फ ये चाहिए। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी लगा देंगे ऊपर से, बिल्कुल हल्का सा लगाना है और इसे पलट देंगे। गाइस आप हाथ से मत पलटिएगा, थोड़ा गर्म होता है, पर आजकल इतनी सर्दी है कि ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाई फ्लेम पे ही करना है इसे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी या कड़क नहीं करना है, बस ये मार्क चाहिए हमें। ये देखिए अब आप इन्हें टिफिन में रखिए, फॉइल या बटर पेपर में लपेट के आप इन्हें रख दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेंगे खाने में, हैंडी रहते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रैप की रेसिपी कैसी लगी। सो गाइज़ ये था हमारा आलू टिक्की रैप, बहुत ही इजीली बन जाता है एंड ट्रस्ट मी मैंने ये डिनर में सर्व किया था एंड इट वाज अमेजिंग। एक तो बना के रख दो, आपको बाद में कुछ करने का झंझट नहीं, फिलिंग बहुत होता है, जंग जैसा दिखता नहीं है, और जैसे कि आपने देखा हमने इसमें रोटियां यूज़ की हैं, आपको बिल्कुल कोई चीज़ टॉर्टिया वगैरह मैदा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो घर में रोटी बनती है आप वही रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से बड़े से साइज़ की बनाइए और ये रैप्स बनाइए एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम जो मैगडी वाला रैप होता था ना उसकी फीलिंग दे रहे थे। इसमें आप पनीर वगैरह कुछ भी भर सकते हैं। आगे हम भी ऐसी और रेसिपीज़ लेके आएंगे क्योंकि ये रैपिंग का स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वेरी कन्वीनियंट टू ईट।
सो गाइस अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे। थर्सडे के टिफिन के लिए मैं बना रही हूँ नमकीन सेवैयाँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और सुबह इन्हें बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि उनका कुकिंग टाइम जो है ऑलरेडी बहुत कम होता है। तो आइए फटाफट देखते हैं नमकीन सेवैयाँ की रेसिपी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी नमकीन सेवैयाँ। थर्सडे के टिफिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं ये। तो यहाँ पे हमें लेनी है बिल्कुल बारीक वाली सेवई जो हम सेवई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको 2 चम्मच घी में हम अच्छे से भून लेंगे। सेवैयाँ रोस्टेड आती हैं मगर इसको भून लेने से हल्का सा घी में एक बहुत ही बढ़िया सा सोंधापन आ जाता है, इसलिए ये स्टेप बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। इसको हल्का सा भून जरूर लीजिएगा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और ये सेवैयाँ तुरंत से पकने लगेंगी, हल्की हल्की डार्क ब्राउन हो जाएंगी। तो अब हम इसको फटाफट निकाल लेंगे कढ़ाई को पोंछ के। हम फिर से इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 चम्मच घी में भून चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे घी थोड़ा कम ही डालेंगे। और अब इस घी में हम डालेंगे जरा सा जीरा। मैंने ये रेसिपी आपके साथ में पहले भी शेयर की है, तो उसमें साउथ इंडियन वाला पूरा तड़का डाला था जिसमें राई, करी पत्ता, उड़द चने की दाल वगैरह डाला था, बट यहाँ पे हम इसे बिल्कुल सिंपल रखने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जीरा तड़काएंगे और डाल देंगे प्याज। प्याज को हमें भूनना है। जब भी आप स्टील के बर्तन पे काम करें तो फ्लेम को हमेशा लो रखें, इससे ये बहुत अच्छे से काम होता है और बिल्कुल चिपकता नहीं है। अब हम इसमें बाकी बारीक कटी हुई सब्जियां डाल देंगे, जैसे गाजर, बिल्कुल बारीक कटी हुई बीन्स, बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ये सब कुछ चॉपर का कमाल है। और साथ में यहाँ पे मैंने डाली है 1/2 कटोरी मटर। आपको मैं रिकमेंड करूंगी मटर को आप बॉईल करके ही यूज कीजिएगा, क्योंकि मटर को पकने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगा है। इसमें 10 से 15 मिनट जो लगे हैं इसे पकने में सिर्फ मटर के कारण लगे हैं, अदरवाइज ये रेसिपी और भी जल्दी बनके तैयार हो जाती। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक से सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी और थोड़ा सा जल्दी पकेंगी। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला है और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश डाली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए चाहे मत डालिए, बट जब ये बीच बीच में आती है ना खाने में एकदम सरप्राइज वाला एलिमेंट ऐड करती है। इन सभी चीजों को हम ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अगर पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। 10 मिनट पकाएंगे, बीच में जरूर चेक कीजिएगा कहीं नीचे लगे ना। फ्लेम को हमें लो रखना होता है जब हम इस तरह से ढक के पकाते हैं। और ये देखिए हमारी सब्जियां पक के तैयार हो गई हैं, मटर भी गल गई है। गाइस अगेन प्लीज आप हाथ से मत चेक कीजिएगा, यहाँ पे ठंड इतनी है कि हम फटाफट कर पाते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे सेवई। ये सेवैयाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा अनमैनेजेबल लगेगा बट ट्रस्ट मी ये नॉर्मल वर्मिसली से बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। इसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये सेवई जो है ये स्टीम में ही पक जाती है, तो इसमें पानी वैसे भी हमने 2 बार में डाला है। पहले 1/2 कप डाला है और इसको हल्के से मिक्स होने दिया है और अब हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और 2 ही मिनट में आप देखेंगे कि सेवैयाँ जो है पक गई हैं, मैनेजेबल हो गई हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे चलाना बीच में इसलिए भी ज़रूरी है कहीं नीचे से लग ना रही हो। और अब हम इसे सीजन करेंगे। सीजन करने के लिए हमें इसमें डालना है ज़रा सा गर्म मसाला, बिल्कुल ज़रा सा नमक क्योंकि हमने नमक सब्जियों में पहले डाला हुआ था, और थोड़ी सी लाल मिर्च। यहाँ पे आप चाहें तो हरी मिर्च कट करके भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम बढ़िया हरी मिर्ची भी आ रही है आजकल। देखिए हमारी सेवैयाँ बनके तैयार हैं, बट अभी हम इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पानी इसमें और डाला है। मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। और इसे ढक देंगे फिर से अगेन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाइए और बिल्कुल खिली खिली सेवैयाँ तैयार हैं टिफिन में जाने के लिए। इसको ऊपर से टॉप किया है मैंने थोड़े से काजू और बादाम के साथ, रोस्टेड काजू और रोस्टेड बादाम यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं। और गाइस ये सेवैयाँ बनके तैयार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। कैसी लगी आपको ये नमकीन सेवैया की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ये रेसिपी जो है आप इसमें वर्मिसली भी यूज़ कर सकते हैं। वर्मिसली में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है। वर्मिसली को तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। बहुत सारी वर्मिसली की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट सेवैया का जो टेक्स्चर है वो बहुत अच्छा लगता है। वंस इन अ वाइल आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एंड ट्रस्ट मी बड़ा ही ऑसम टिफ़िन था ये। तो मैंने जल्दी जल्दी बना के ऑफिस पैक करके दिया था एंड ये ऑफिस टिफ़िन में भी बहुत ही सक्सेसफुल था। और अब बारी है हमारी लास्ट रेसिपी की। गाइस ये रेसिपी
इज वन ऑफ द परफेक्ट एंड फाइनेस्ट रेसिपी ऑफ मंचूरियन. अब इसको आप जल्दी से कैसे बनाएंगे सुबह, ये टिप्स मैं आपको वीडियो के बाद में दूंगी. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फ्राइड राइस एंड मंचूरियन की मज़ेदार रेसिपी. तो आइए बनाना शुरू करते हैं फ्राइडे का मज़ेदार टिफिन, जो है वेज मंचूरियन और फ्राइड राइस. और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक पत्ता गोभी, दो गाजर और शिमला मिर्च. गाजर को छील लिया है, पत्ता गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया है, काट लिया है रफली. और अब इन सभी सब्जियों को हम ग्रेट कर लेंगे. यहाँ पे मैं फूड प्रोसेसर में फटाफट कर दे रही हूँ, आप मैनुअली भी कर सकते हैं. बस इन्हें हमें बारीक कद्दूकस से कद्दूकस करना है. ये देखिए, इन तीनों का ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन. ये ग्रेट किया हुआ है दोनों चीजें. अदरक लहसुन का पेस्ट रेडीमेड भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. और साथ ही डालेंगे नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. यहाँ पे मैं सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है. और साथ में काली मिर्च. मंचूरियन बॉल में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं डालना होता और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे. जब हम इन सब्जियों में नमक मिलाते हैं तो ये सब्जियां पानी छोड़ने लगती हैं. ये देखिए, तो हमें उस पानी को इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी इसे ड्रेन ऑफ नहीं करना है. यहाँ पे मैंने आधे आधे पोर्शन में इन्हें डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अदरवाइज ये कई बार काफी गीला हो जाता है. तो इसको अगर आप ज्यादा बनाइए तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को डिवाइड कर लीजिए. अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, और जितना हमने कॉर्नफ्लावर डाला है उतना ही तकरीबन हम इसमें मैदा डालेंगे. गाइज, यहाँ पे जो स्टेप है वो आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉर्नफ्लावर और मैदा ज्यादा हो जाता है तो मंचूरियन का अच्छा टेस्ट नहीं आता. यहाँ पे आप कई बार में डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए. हमें सिर्फ इतना कॉर्नफ्लावर और मैदा डालना होता है जिसमें कि हल्की सी बाइंडिंग आने लगे. ये देखिए, ये बाइंड करके बॉल बनने लगा है, जैसे मैंने कोफ्ते बताए थे बिल्कुल वैसे ही. और अब हम इन बॉल्स को तलेंगे. बॉल्स को तलने के लिए हम तेल को पहले अच्छे से गर्म कर देंगे, उसके बाद में इसे मीडियम पे करके बॉल डाल देंगे, और उसके बाद में लो और मीडियम के बीच में करके हम तलेंगे. क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादा कॉर्नफ्लावर या मैदा इस्तेमाल किया नहीं है तो इन्हें तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तब भी अंदर तक तले जाने के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट इसमें हर बैच में लग जाएंगे. बिल्कुल जब ये गोल्डन क्रस्ट आ जाएगा तब हमें इसे निकाल लेना है. गैस, इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे मैंने फिर से पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च में कॉर्नफ्लावर और मैदा मिलाया है. बस हमें इतना ही मैदा और कॉर्नफ्लावर मिलाना होता है कि ये बाइंड होने लगे. ये देखिए, इसके बॉल्स प्रॉपरली बनने लगे हैं. और इसको फ्राई करने का भी वही तरीका रहेगा. हाई फ्लेम पे डाल दीजिए और लो और मीडियम पे इसको तलिए, ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए. ये देखिए, बहुत ही आराम से बाइंड होने लगते हैं. ये डो जैसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा हमारा कोफ्ते वाला बैटर होता है, कोफ्ते वाला मटेरियल होता है, बिल्कुल वैसा. तो बॉल्स हमारी सारी बन के तैयार है. और अब हम इसको मंचूरियन बनाते हैं. तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है कढ़ाई में, और साथ में अदरक और लहसुन डाला है. ये बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन है. और जैसे ही अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाएगा हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और साथ में प्याज. यहाँ पे एक लार्ज प्याज को हमने चॉप किया हुआ है. साथ में यहाँ पे लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च है, इसको भी हमने चॉपर में एक साथ चॉप कर दिया था. एंड गाइस, मैंने खुद भी थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया था तो इसमें आपको सारी जल्दी वाली टिप्स एंड ट्रिक्स मिल ही जाएंगी. और दूसरी तरफ हम यहाँ पे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, एक स्लरी तैयार कर लेंगे. ये देखिए, यहाँ पे हमने इसमें पानी मिला लिया है, और एक स्लरी तैयार करके हम साइड में रख देंगे, ताकि जब हम सॉसेस डाल के पकाएंगे तो स्लरी रेडी रहेगी और हम इसे फटाक से ऐड कर पाएंगे. हमें इसे बिल्कुल लम्प फ्री रखना है. और अब चलते हैं सब्जियों की तरफ, ये भी पक चुकी हैं. इसमें हम डालेंगे सॉसेस. तो सबसे पहले जा रही है यहाँ पे 1 चम्मच टमाटो केचप, उसके बाद में रेड चिली सॉस, आप यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर पसंद नहीं है इसलिए सिर्फ 1 चम्मच डाला है, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं. और 1 चम्मच ही इसमें डाला है हमने सिरका. इन सॉसेस को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे, और सॉसेस को पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इनका टेस्ट फर्क होता है, और ये फ्लेवर जो आता है पकने के बाद में ये बहुत अच्छा आता है. सॉसेस पक गई हैं, और अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर वाली स्लरी डाल देंगे. इसको हमने पहले इसीलिए बना के रखा था क्योंकि इन्हें पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाक से पक जाती हैं, और अगर स्लरी रेडी होती है तो हम इसे बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे ऐड कर पाते हैं. उबाल आने तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल लंप फ्री और एकदम स्मूथ बने. और इसको हम सीजन करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और नमक के साथ में, बहुत ज्यादा कोई स्पाइसेस इसमें नहीं पड़ते हैं. ये देखिए, और अब हम इसे अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर देंगे.
और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा थिक होने लगी है। जितना हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं, जैसे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर हमने डाला है उसमें एक कप पानी हम ऐड कर सकते हैं अगर हम लिक्विड वाला मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो। यहाँ पे हमने 1.5 कप डाला था और यहाँ पे मैंने 3/4 कप पानी और डाल दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गाढ़ी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं चाहिए, बिल्कुल जो मार्केट में मंचूरियन वाली होती है बिल्कुल वैसी ही चाहिए। इसको हम 2 मिनट तक बॉयल आने देंगे और अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डालेंगे। ये एक खास टिप है आपके लिए, जितनी मंचूरियन बॉल्स का यूज हो आप उतना डालिए, उसके बाद में ये फिर से गाढ़ी हो जाएगी। आप इसमें थोड़ा पानी मिलाइए और दोबारा से रीहीट कर लीजिए। इसको गार्निश किया है मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियन के साथ में, जैसा कि आपने देखा। और अब इसको करते हैं पैक। अब इसको पैक करना भी एक बड़े मजे का स्टेप है। यहाँ पे मैंने मंचूरियन बॉल्स लिए हैं 3 और थोड़ी सी ग्रेवी ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ज्यादा थिक नहीं है। इसके ऊपर हमने डाला है चावल। ये बिल्कुल जो बाकेट में राइस बॉल्स मिलते हैं ना बिल्कुल वैसा ही बनेगा। और ऊपर से भी हम इसमें मंचूरियन डालेंगे। अब ये जो टिफिन होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ मैं सिर्फ आपको शो के लिए करके दिखा रही हूँ। ऊपर से स्प्रिंग अनियंस, गाइस ये बिल्कुल बचा नहीं था, ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी बना था। और इस खूबसूरत सी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से कर दीजिए। साथ ही आप चाहें तो यहाँ पे मंचूरियन ग्रेवी और कम भी रख सकते हैं, चाहे तो कॉर्नफ्लोर वाला स्टेप बिल्कुल हटा सकते हैं। अब ये खास क्लिप उनके लिए है जो फटाफट से फ्राइड राइस बनाना जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाला, अदरक लहसुन डाला, साथ में वो सब्जियां कुछ बची हुई थी मंचूरियन वाली वो डाल दी, और प्याज शिमला मिर्च वगैरह वही सब डाला है। बिल्कुल सेम स्टेप था इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया है। सेम उसी तरीके से हमने सॉसेस डाली हैं, वही सारी सॉसेस हैं, बस एक चीज हमने इसमें एक्स्ट्रा डाली है। टोमेटो केचप है, रेड चिली सॉस है, डार्क सोया सॉस है, साथ में विनेगर है। अब जो एक्स्ट्रा चीज है वो है थोड़ी सी देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च। मैं नॉर्मली कश्मीरी मिर्च यूज करती हूँ ताकि अच्छा सा वो रेड रेड कलर आ जाए, और इसका एक पिक्यूलियर फ्लेवर भी होता है, वो भी आपको फ्राइड राइस में अच्छा लगेगा क्योंकि मार्केट में अक्सर पड़ा होता है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर। अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें खूब सारी हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अब इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि इसमें सब्जियां बहुत ज्यादा पकी हुई नहीं होती, क्रंच होता है। और ऐड कर देंगे पके हुए चावल। ये फुल्ली कुक्ड राइस है, फ्रेश बनाइए ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा चावल टूट जाते हैं मगर अगर ठंडे हो जाए तो ज्यादा अच्छा फ्राइड राइस बनता है। तो ये हमारा फ्राइड राइस बनके रेडी हो गया है टिफिन में जाने के लिए। दो हमारा मंचूरियन इतना बढ़िया बना था, आप इसे प्लेन राइस के साथ भी रख सकते हैं। मुझे टेस्ट में हल्का सा विनेगर कम लग रहा था तो विनेगर डाला है और ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। फ्राइड राइस इज रेडी। हाँ थी ना ये एकदम बढ़िया सी फ्राइडे टिफ़िन की रेसिपी, एकदम चटपटी, बहुत ही टेस्टी गाइस। और जब मैंने शूट किया था ट्रस्ट मी जो टिफ़िन मैं लगा रही थी ना वो पूरा ख़त्म हो गया था फोटोग्राफ्स लेने के बाद में, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था गर्मा गर्म। एंड आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी अगर आप मंचूरियन की रेसिपी घर में बनाएंगे तो आपको बाहर के मंचूरियन इतने पसंद ही नहीं आएंगे। वेल, इस रेसिपी को सुबह कैसे बनाना है इसके लिए आपको मंचूरियन बॉल्स आप चाहें तो रात में फ्राई करके रख सकते हैं, और अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो आप ये सारी सब्जियां ग्रेट करके रख सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट अलग बना के रख सकते हैं। बस प्याज जो है वो आप फ्रेशली चॉप कीजिए, फ्रेश यूज़ कीजिए। बाकी सारी सब्जियाँ ऐसी हैं जो आप रात में ग्रेट करके रख सकते हैं, पर ग्रेट करने से कई बार क्या होता है कि पानी छोड़ने लगता है, इसलिए मैं प्रिस्क्राइब करूँगी कि आप चॉपिंग करके फ्राइड राइस के लिए रात को रख लीजिए और रात में ही मंचूरियन के बॉल बना के रख लीजिए। क्योंकि जब जैसे मैं बनाती हूँ तो सपोज़ ऐसे करती हूँ कई बार कि मंचूरियन बॉल्स मैं मॉर्निंग में फ्राई करके रख लेती हूँ, इसको इवनिंग में सर्व करती हूँ स्नैक्स की तरह से, तो बहुत अच्छे लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आसानी से बन जाते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप मेरी कोई और रेसिपी सर्च करना चाहते हैं, जैसे पिकल्स की बहुत डिमांड आती है मेरे पास मेरे चटनी की, तो आप सिंपल लिखिए फूड फॉर फूडीज़ चटनीज़ या फूड फॉर फूडीज़ पिकल्स, तो आपके पास में वो आ जाएंगी। साथ ही फूड फॉर फूडीज़ जलेबी, फूड फॉर फूडीज़ रसगुल्ला, फूड फॉर फूडीज़ केक्स, आप ये सब भी सर्च कर सकते हैं। सारी रेसिपीज़ में प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दी हैं और बहुत ही आसानी से सब बन के तैयार हो जाती हैं। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।